हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी है बोहर। मैं मोहित सर आपका लक्ष्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स कि डिटरमिनेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, कि फर्स्ट ऑर्डर की डिटरमिनेशन ऑफ मैट्रिक्स को किस तरीके से सोल्व करते हैं, और साथ ही साथ हमने देखा था कि सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स को हम किस तरीके से डिटरमिनेशन के अंदर सोल्व करते हैं। ये दोनों जो पार्ट है हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, और इसके साथ कुछ हमने एग्जांपल्स भी देखी थी ताकि आपको ये क्लियर हो सके। तो अब इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, वी विल स्टडी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डिटरमिनेशन ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर, कि थर्ड ऑर्डर की जो डिटरमिनेशन की मैट्रिक्स को किस तरीके से हम सोल्व करते हैं और किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वो साथ के साथ देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ द डिटरमिनेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर, कि इसकी एक्सपेंशन को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, और इस एक्सपेंशन को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको ये मेथड जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ शॉर्टकट सी बताऊंगा जिसके अंदर हम देखेंगे साइन सिस्टम फॉर एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, जिस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि डिटरमिनेशन ऑफ द थर्ड ऑर्डर, कि थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेशन को हम किस तरीके से सोल्व करते हैं। कहते हैं सिंबल A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, ये आपके पास टोटल क्या दिए हुए हैं, इन विच 9 नंबर्स, ये सारे के सारे जो हैं, टोटल कितने नंबर्स हैं, 9 नंबर्स हैं। ये आप काउंट कर सकते हो, ये 9 नंबर्स हैं। आपको पता है कि दिस इज ए रो 1, दिस इज ए रो 2, एंड दिस इज रो 3, और ये आपको पता है दिस इज कॉलम फर्स्ट, दिस इज कॉलम सेकेंड, एंड दिस इज कॉलम थर्ड। ओके स्टूडेंट, कहता आर अरेंज इन टू वर्टिकल बार्स इज कॉल्ड ए डिटरमिनेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर, और ये जो बार है ये वाली टू वर्टिकल बार, दिस वन एंड दिस वन, कहते हैं कि 9 नंबर्स को दो वर्टिकल बार के अंदर जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेशन ऑफ द थर्ड ऑर्डर। कहता है कंसीडर द डिटरमिनेशन ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी कंसीडर कर लेते हैं ए मैट्रिक्स जो AIG की फॉर्म में है, जिसका ऑर्डर है 3×3, और इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, डिटरमिनेशन ऑफ ए इज इक्वल टू वर्टिकल 2 बार्स और ये 9 नंबर्स। तो अब स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगा इसकी एक्सपेंशन को किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो मैं इसके अंदर R1 को, जो ये जो सर्कल किया हुआ है मैंने, ये R1 को एक्सपेंड करना सिखा रहा हूं। और आप किसी भी कोई भी रो और कोई भी कॉलम को लेके, आप किसी भी रो को और किसी भी कॉलम को लेके आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको R1 के थ्रू इसको एक्सपेंड करना सिखाऊंगा। देखिए कैसे सोल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सपेंशन अलोंग द फर्स्ट रो R1, ये सब स्टेप्स हैं, टोटल आपके पास टोटल 4 स्टेप होंगे स्टूडेंट्स। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इजीली तरीके से इसको समझाऊंगा। तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप है। देखिए स्टेप 1 क्या कहता है, कहता है मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट A11 ऑफ R1। आपको पता है स्टूडेंट्स ये A11 एलिमेंट है, कहता है ये फर्स्ट रो है, आपको पता है ये फर्स्ट रो है, ये वाली A1, A12 एंड A13। कहता है कि फर्स्ट मल्टीप्लाई करना है A11 से ऑफ R1 बाय -1 की पावर 1 प्लस 1, इट्स मींस -1 की पावर सम ऑफ सफिक्स। सफिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जो ये एलिमेंट होता है A11, जो इसके बेस में होते हैं ये नंबर 11, दैट इज कॉल्ड सफिक्स, इनका हमने सम करके -1 की पावर के ऊपर लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, फिर कहते हैं एंड विद द सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेशन ऑब्टेन बाय द डिलीटिंग द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो R1 एंड फर्स्ट कॉलम C1 ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A एज 11 लाइज इन R1 एंड C1। देखिए ये जो स्टेप बना है मैं आपको इसके थ्रू बताता हूं। आपने ये एलिमेंट लेना है A11। ओके स्टूडेंट्स, आपने करना है क्या है, इसके साथ सामने वाली रो और ये सामने वाला कॉलम का आप क्या करोगे, कैंसिल करोगे, तो आपके पास ये 4 एलिमेंट बचेंगे। कौन से 4 एलिमेंट बचेंगे, ये वाले। देखो ये लिखा हुआ है A11 आपने लिया, ये आपने A11 लिया, और साथ के साथ ये 4 एलिमेंट जो है डिटरमिनेंट के फॉर्म के अंदर आपने इसको रिप्रेजेंट किया और A11 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मल्टीप्लाई करना था। और ये -1 की पावर 1 प्लस 1 कैसे आया, क्योंकि आपने फर्स्ट एलिमेंट लिया A11 और इसका जो सफिक्स है 11 वो आपने क्या कर दिया, 1 प्लस 1। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद देखेंगे हम सेकंड स्टेप कैसे करना है। सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, सेकंड एलिमेंट लेंगे जो कि होगा A12। आपके पास कौन सा एलिमेंट होगा स्टूडेंट्स, अब A12। तो A12 के अंदर देखिए, अब ये वाला ये रो कैंसिल हो जाएगी और ये
कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास चार एलिमेंट कौन से बचेंगे, दो एलिमेंट आपके पास ये वाले बचेंगे और दो एलिमेंट आपके पास ये वाले बचेंगे। तो हमने क्या करा, A21 और A31 यहां और A23 और A33 को इस तरीके से लिखा वर्टिकल बार के अंदर, और A12 एलिमेंट लिया था जो कि हमने, तो A12 से इसको मल्टीप्लाई किया और -1 की पावर 1+2 का है, इसका कौन सा एलिमेंट लिया था आपने, A12, तो मींस 12 जो इसका है सफिक्स है, तो 1+2 देखिए -1 की पावर सम ऑफ सफिक्स A12, 12 जो है वो इसका सफिक्स है, तो इसके कारण 1+2 आया। इसी तरीके से आप इसको स्टेप नंबर थर्ड के अंदर आएंगे, स्टेप नंबर थर्ड के अंदर हम थर्ड एलिमेंट लेंगे जो आपके पास होगा स्टूडेंट्स, देखिए A13। अब A13 जो है हमने पहले A13 लिया और इसका सफिक्स 1 और 3 है, तो 1+3 किया -1 की पावर। अब इसके अंदर चार एलिमेंट कौन से आएंगे, देखो इसके सामने वाली रो ये है और इसके सामने वाला कॉलम ये है, तो चार एलिमेंट जो आपके पास बचेंगे वो ये वाले बचेंगे, आपने इन चारों एलिमेंट को डिटरमिनेंट की फॉर्म के अंदर लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 था, ये स्टेप 3 था। अब अपने 4th स्टेप में के अंदर क्या करना है, इन सभी स्टेप्स को आपने ऐड करना है। देखिए स्टेप नंबर 4th कहते हैं, नाउ एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए रिटन एज सम ऑफ द ऑल थ्री टर्म्स ऑब्टेन इन स्टेप 1, 2, 3 अबव इज गिवन बाय। तो मींस आपने देखा ये स्टेप 1 आया, ये स्टेप 2 था और ये स्टेप 3 था। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ये आपने इसको और इसको आपने क्या करना है, ऐड करना है। तीन तीनों को ऐड करके आपके पास ये स्टेप बनेगा। देखो ये स्टेप 1 था, ये सेकंड स्टेप था और ये थर्ड स्टेप था। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद देखिए क्या सॉल्व करना है, -1 के पावर 1+1 मींस -1 की पावर 2 मींस पॉजिटिव हो गया। तो आप ये देखिए 2×2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, तो आपके पास देखो ये चीज बन जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपने इसी तरीके से इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये एलिमेंट बन जाएगा। इसी तरीके से जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये एलिमेंट बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई एंड देन इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर देन इसको इससे मल्टीप्लाई एंड देन इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करोगे और इसको इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो ये आपके पास ये वाली इक्वेशन बनेगी, आपके पास देख सकते हो स्टूडेंट, ये वाली ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या बन जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए का आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट A11, A22, A33 इस तरीके से थे। जो अगर आपके पास कोई एक्सपेंशन के अंदर आपके पास एलिमेंट दियो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कुछ दियो, तो आप इनको मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, नोट क्या करना है, वी शैल अप्लाई ऑल 4 स्टेप टुगेदर, आपने चारों के चारों जो स्टेप है वो आपने अप्लाई करने हैं। तो ये जो ट्रिक था स्टूडेंट्स, ये थोड़ा थ्योरेटिकल था, आपको शायद क्लियर नहीं होगा। मैं आपको थोड़ा एक साइंस सिस्टम समझाता हूं जिससे आपको ये जो सिस्टम है थोड़ा इजीली हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, देखिए साइंस सिस्टम फॉर एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। वैसे जो साइंस सिस्टम है स्टूडेंट्स, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं कराऊंगा, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे माइनर एंड कोफैक्टर। ये जो माइनर एंड कोफैक्टर है उसके अंदर ये साइंस सिस्टम आता है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, माइनर के अंदर ही आता है, वैसे हम नेक्स्ट वीडियो माइनर एंड कोफैक्टर वाली करेंगे, तब इस वीडियो को देखेंगे। देखो जो साइन सिस्टम फॉर सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेशन को सोल्व करना है, तो हमने सबसे पहले जो ये फर्स्ट एलिमेंट होता है उसके अंदर पॉजिटिव लेना आता है, फिर नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव, मींस जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो पॉजिटिव, जो अदर डायगोनल्स है वो क्या लेने, नेगेटिव। ये 2×2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के अंदर लेना है। थर्ड ऑर्डर के अंदर हमने क्या लेना है, अगर आप देखो टोटल 9 एलिमेंट्स होते हैं जिसमें 3 रोज 3 कॉलम्स होते हैं, 3×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है, तो आपने पॉजिटिव स्टार्ट करना है, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। अब देखिए प्लस आया कैसे, मैं आपको बता भी देता हूं। जैसे ये एलिमेंट आपको पता है A11 होता है, तो मींस A11 तो इसका सफिक्स क्या है, 11, तो -1 की पावर 1+1 करोगे तो मींस -1 की पावर 2 मतलब पॉजिटिव। जब आप करोगे 1, 2 तो 1, 2 प्लस 1 प्लस 2 कितना होता है 3, तो -1 की पावर 3 क्या होता है, नेगेटिव। तो इस तरीके से क्या हो गया, नेगेटिव। ओके स्टूडेंट, फिर A13 लोगे तो 1+3 क्या होता है 4, तो -1 की पावर 4 मींस पॉजिटिव, तो ये आपके पास क्या देगा, पॉजिटिव। देन इसी सिमिलरली जब आप ये वाला एलिमेंट निकालोगे, ये देखो ये एलिमेंट होता है A21, तो A21 का मींस -1 की पावर 2+1 मतलब -1 की पावर 3, तो -1 की पावर 3 का मतलब होता है -1 मींस नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स,
अगर ये नेगेटिव है तो देखिए आपके पास ये क्या गया, नेगेटिव। इसी तरीके से जब इसको करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, जब इसको करोगे तो नेगेटिव। इसी तरीके से आप सारे एलिमेंट के सिंबल को आप सोल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स को सोल्व करना है, डिटरमिनेशन सोल्व करना है, तो आपने अगर आर वन लेते हो, आर वन को स्पेंड करते हो तो आपने प्लस माइनस प्लस लेना है। अगर आप आर टू को अप्लाई करते हो तो माइनस प्लस माइनस लोगे, और अगर आर थ्री को अप्लाई करते हो तो आपने प्लस माइनस प्लस लेना है। इसी तरीके से अगर आप C1 को अप्लाई करोगे तो आपने ये वाले एलिमेंट लेने हैं, प्लस माइनस प्लस लेना है। अगर C2 को अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हो तो माइनस प्लस माइनस लोगे, और इसी तरीके जब आप C3 को अप्लाई करना चाहते हो, एक्सपेंड करना चाहते हो, तो प्लस माइनस प्लस लोगे। ये थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक्स थी जो आप हम यूज करेंगे। वैसे ये जो सिस्टम है माइनर के अंदर आएगा, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको साथ डिस्कस करूंगा। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखना। तो कहता है कि एग्जाम्पल वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट वेयर डिटरमिनेंट डेल्टा इक्वल टू, ये आपको डिटरमिनेंट्स गिवन दिया हुआ है, हमने इसकी वैल्यू को एक्सपेंड करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट क्या कहता है। अब देखिए मैं इसके अंदर एक्सपेंड करूंगा आर वन को, मीन्स इस चीज को एक्सपेंड करूंगा मैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि आपने डेल्टा निकालना है। तो डेल्टा इक्वल टू, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, डेल्टा इक्वल टू 6 माइनस 3 2, 2 माइनस 1 2, माइनस 10 5 और 2। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास था डिटरमिनेशन जो आपने देखा। अब देखिए मैं फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर रहा हूं, कौन सी रो को स्पेंड कर रहा हूं, फर्स्ट रो को। तो देखिए फर्स्ट रो को स्पेंड कैसे करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू, तो सबसे पहले आपने फर्स्ट रो को स्पेंड करना है, तो ये प्लस का होता है, ये माइनस का और ये प्लस का। तो मींस देखो 6 जब आप ये लोगे फर्स्ट रो, तो मींस ये रो कैंसल और ये कॉलम कैंसल, तो चार एलिमेंट कौन से बचेंगे, ये वाले बचेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इन चारों को लिख लेते हैं, माइनस 1 2 5 और 2। ओके स्टूडेंट, फिर हमने निशान कौन सा लेना है, माइनस का, ये माइनस का ले लेते हैं, और आपके पास एलिमेंट क्या है, 8 2 1 2, माइनस का 3। जब आप माइनस का 3 लोगे स्टूडेंट्स, तो देखिए जब माइनस का 3 लोगे तो आपके पास क्या आएंगे एलिमेंट, देखिए स्टूडेंट्स, जब माइनस 3 लोगे, जब माइनस 3 लोगे तो ये रो कैंसल और ये वाली कॉलम कैंसल, तो चार एलिमेंट बन जाएंगे, ये 2 माइनस 10 और 2 2, तो हम लिखेंगे 2 माइनस 10 2 और 2। फिर जब थर्ड एलिमेंट लोगे प्लस का 2, इसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट बचेंगे स्टूडेंट, देखिए जब आप ये वाला एलिमेंट लोगे, तो मीन्स इसी तरीके से ये रो कैंसल और ये कॉलम कैंसल, तो चार एलिमेंट आपके पास ये वाले बचेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन कौन से, 2 माइनस 1 माइनस 10 और 5। तो अब आइए इसको सोल्व करते हैं। देखो ये पॉजिटिव कैसे बना, इसके आगे सिंपल होता है माइनस 1 की पावर, माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1, और इधर माइनस कैसे आएगा, ये बना आपके पास स्टूडेंट्स, आपके पास बनेगा ये माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2। ओके स्टूडेंट, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये आपके पास कैसे बनेगा स्टूडेंट, माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिए डेल्टा इक्वल टू, ये आ जाएगा 6, इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस 1 को 2 से किया माइनस का 2, फिर माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा माइनस का 10, फिर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, प्लस का 3, इसको सोल्व करो, 2 को 2 से किया 4, फिर माइनस, माइनस 10 को 2 से करेंगे माइनस का 20, माइनस का 20 लिखोगे, फिर प्लस 2, इसी तरीके से इसको सोल्व करोगे, यह आ जाएगा 10, माइनस इसको 20 लिखोगे, 10 इंटू 1 प्लस का 10 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको सोल्व कीजिए, डेल्टा इक्वल टू 6 इंटू माइनस का 12 प्लस 3 इंटू 4 प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 20 24,
प्लस 2 इंटू जीरो। ओके स्टूडेंट, ये 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसल। ठीक है स्टूडेंट, तो डेल्टा इक्वल टू 6 इंटू माइनस 12 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का 72 प्लस 24 इंटू 3 72 प्लस 0। ये प्लस का और ये माइनस का क्या आ जाएगा स्टूडेंट, कैंसल, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। तो मीन्स डेल्टा इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0। ये आपके पास क्या गया, डिटरमिनेंट का आंसर। तो आपने इस तरीके से थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेशन को आपने सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। तो देखिए, थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेशन कैसे सोल्व करना है, आपने मेरे साथ डिस्कस किया। मैंने फर्स्ट रो को एक्सपेंड किया है, तो मैंने फर्स्ट के एलिमेंट के साथ प्लस लिया, सेकंड एलिमेंट के साथ माइनस लिया, थर्ड एलिमेंट के साथ मैंने प्लस लिया। जब मैंने सिक्स लिया तो ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल, चार एलिमेंट आपके पास ये वाले आ गए। जब मैंने ये वाला एलिमेंट लिया माइनस थ्री तो ये रो कैंसिल, देखिए स्टूडेंट ध्यान से, ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल, तो चार एलिमेंट कौन से बचेंगे, ये टू और माइनस टेन एंड टू एंड टू। ओके स्टूडेंट, फिर जब आप ये टू लोगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल करोगे तो चार एलिमेंट आपके पास ये वाले बच जाएंगे, 2 माइनस 1 माइनस 10 और 5। आप इन 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स को आप सोल्व करोगे इजिली, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल करके आप क्वेश्चन को आंसर निकाल सकते हो। ओके स्टूडेंट, ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब आइए सेकंड नंबर एग्जांपल देखिए, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पेपर में 2 मार्क्स के अंदर आ सकती है स्टूडेंट, ध्यान देखिए। सॉल्यूशन कहता प्रूव दैट द डिटरमिनेंट ऑफ, ये आपको डिटरमिनेशन गिवन है, कहता इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब होता है स्टूडेंट कि आपने इस डिटरमिनेंट का जो आंसर है उसमें थीटा को गायब करना है, मींस आपने रिमूव करना है इसको। ओके स्टूडेंट, अब आइए इसको देखते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट डेल्टा इज इक्वल टू दिस डिटरमिनेंट एक्स साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स वन कोस थीटा वन और एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए डेल्टा इक्वल टू सोल्व कर दें, मैं फर्स्ट रो को ही स्पेंड करूंगा। जब मैं एक्स लूंगा स्टूडेंट तो आप ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल, चार एलिमेंट आपके पास ये बचेंगे, देखिए ध्यान से, एक्स कौन कौन से बचेंगे, माइनस एक्स वन वन और एक्स। ओके स्टूडेंट्स, फिर माइनस जब ये एलिमेंट लूंगा तो आपके पास क्या बनेगा, माइनस साइन थीटा, तो चार एलिमेंट कौन कौन से बचेंगे, ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल, तो ये माइनस साइन थीटा कोस थीटा, माइनस साइन थीटा कोस थीटा और वन और एक्स। इसी तरीके से प्लस, फिर कोस थीटा लूंगा थर्ड एलिमेंट, जब ये वाला एलिमेंट लूंगा तो ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल, तो चार एलिमेंट आपके पास कौन से बचेंगे, ये वाले बचेंगे, तो लिखिए माइनस साइन थीटा कोस थीटा माइनस एक्स और वन। ओके स्टूडेंट्स, आइए आप इसको सोल्व करते हैं, तो देखिए डेल्टा इक्वल टू एक्स, माइनस एक्स को एक्स सेवेंटी लेकर होगा स्टूडेंट, आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस वन को वन से किया माइनस का वन। ओके स्टूडेंट्स, फिर माइनस साइन थीटा, तो इधर आ जाएगा आपके पास माइनस का एक्स साइन थीटा, जब इसको इससे करोगे तो माइनस का कोस थीटा, फिर प्लस कोस थीटा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस साइन थीटा इंटू वन माइनस का साइन थीटा, फिर जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो माइनस का एक्स है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स कोस थीटा। ओके स्टूडेंट, पता लग गया ये प्लस कैसा है, ये पहले से एक माइनस था, इधर देखिए माइनस था पहले से ही, माइनस एक्स को जब माइनस एंटी लेकर होगा तो प्लस का एक्स कोस थीटा हो जाएगा। अब इसकी डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं, तो हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस, जब इसको इस एंटी लेकर होगा स्टूडेंट तो माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, फिर जब इसको इस एंटी लेकर होगा तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, फिर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, माइनस का साइन थीटा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बन जाएगा माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बन जाएगा प्लस एक्स कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए
ये माइनस का एक्स, देखिए ये साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा और माइनस का साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएगी कैंसल। तो आपके पास क्या बचेगा स्टूडेंट, डेल्टा इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स। स्टूडेंट देखिए इसमें से और इसमें से एक्स कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या ले रहा हूँ एक्स कॉमन लेता हूं, तो अंदर आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब इसके बाद तो डेल्टा इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस इसकी वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट वन, तो वन इंटू एक्स एक्स हो जाएगा, तो ये एक्स एक्स क्या हो जाएगा कैंसल, तो डेल्टा की वैल्यू जो आ गई माइनस का एक्स क्यूब। यहाँ पे आप रीजन लिख दोगे बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ठीक है स्टूडेंट, तो माइनस एक्स क्यूब आ गया, तो मीन्स ये जो डिटरमिनेंट का आंसर आया डेल्टा लिखोगे विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। देखियो इस आंसर के अंदर जो है सिर्फ ओनली फॉर माइनस का एक्स क्यूब आया है, इस कारण ये जो डिटरमिनेंट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हो गया, इसमें थीटा नहीं है, तो मीन्स आपने थीटा को रिमूव करना था, आपने डिटरमिनेशन को सोल्व किया तो आपने थीटा को रिमूव कर दिया। ओके स्टूडेंट, ये था इसका सेकंड क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स के अंदर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। ओके स्टूडेंट्स, आइए ये था इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया है। आइए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि थर्ड नंबर क्वेश्चन होगा। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लस टू क्लास के लिए। तो देखिए इसका सोल्यूशन, आपको ये डिटर्मिनेशन की बंदी है, आप और आपने प्रूव करना है कि 2 less than equal to डेल्टा लेस देन इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हमने इस डिटरमिनेंट को सोल्व करना है, तो डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं, तो मींस डेल्टा इक्वल टू आपको गिवन दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा माइनस का 1 साइन थीटा 1 माइनस का साइन थीटा फिर 1 साइन थीटा और 1। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए सोल्व करते हैं फर्स्ट रो को ही एक्सपेंड कीजिए। जब आप इस फर्स्ट रो को एक्सपेंड करोगे, सबसे पहले एलिमेंट 1 लेते हो तो ये रो कैंसल और ये कॉलम कैंसल, तो 4 एलिमेंट आपके पास ये वाले बच जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो लिखेंगे 1 माइनस का साइन थीटा और 1 फिर माइनस, फिर आपने लेना है साइन थीटा, मतलब सेकंड एलिमेंट लोगे जब स्टूडेंट्स, जब सेकंड एलिमेंट लोगे तब देखिए जो आप ये वाला एलिमेंट लोगे तो मींस ये रो कैंसल और ये कॉलम कैंसल, तो 4 एलिमेंट कौन से बचेंगे, 2 ये तो लिखिए कौन कौन से बचेंगे, माइनस साइन थीटा माइनस 1 फिर 1 साइन थीटा और 1। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं थर्ड एलिमेंट प्लस का 1 लेंगे, जब प्लस का 1 लोगे स्टूडेंट तो आपके पास क्या बनेगा, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है ये सारा, आप कैसे इसको आपने लेना है, इसी तरीके से हम सोल्व करते जाएंगे। अब जब प्लस 1 का ये वाला एलिमेंट लोगे तो ये रो कैंसल ये कॉलम कैंसल, तो 4 एलिमेंट कौन से हैं ये वाले, हम इन 4 वाले एलिमेंट को इधर लेंगे चलेंगे, तो माइनस का साइन थीटा 1 माइनस का साइन थीटा। ओके स्टूडेंट, ये आपने डिटरमिनेंट के फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर लिया है, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, तो देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू इसको इस सिमेट्रिकली करेंगे 1 फिर माइनस को इसको सिमेट्रिकली करोगे साइन स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा 1 into 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। जब आप क्या करोगे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस का साइन थीटा फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 को साइन थीटा से करोगे प्लस का साइन थीटा फिर प्लस 1 इधर करो माइनस साइन थीटा को माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा फिर माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1। ओके स्टूडेंट, अभी को सोल्व करते हैं, देखिए ये माइनस साइन थीटा और ये प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा कैंसल, तो डेल्टा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 1 प्लस
साइंस के थीटा, ये आपके पास जीरो होगी पूरी टर्म, प्लस साइंस के थीटा माइनस का वन, इधर माइनस वन है स्टूडेंट, आई थिंक ये माइनस का वन है, तो माइनस वन को वन से करेंगे तो प्लस का वन हो जाएगा, तो ये प्लस वन, तो डेल्टा की जो वैल्यू आएगी आपके पास स्टूडेंट आती है टू प्लस साइंस के थीटा प्लस साइंस के थीटा, टू साइंस स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने क्या करना है इसके अंदर टू को कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास बन जाएगा वन प्लस साइंस स्क्वायर, आपके पास बन जाएगा स्टूडेंट वन प्लस साइंस स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने प्रूव करना था कि 2 लेस देन इक्वल टू डेल्टा लेस देन इक्वल टू 4, आपके पास डेल्टा की जो वैल्यू आई है वो आपके पास आ गई 2 इंटू 1 प्लस साइंस स्क्वायर थीटा, और आपने ये चीज प्रूव करनी है। तो देखिए मैं आपको यहां लिख देता हूं पहले साइड पे, आपने जो प्रूव करना है 2 लेस देन इक्वल टू डेल्टा लेस देन इक्वल टू 4, ये आपने प्रूव करना है। ठीक है ना, तो अब आइए क्वेश्चन को आगे करते हैं। ये डेल्टा की वैल्यू आ गई, अब लिखेंगे वी नो दैट अपने को पता है स्टूडेंट्स, जो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस वन टू वन के बीच में होती है, कि माइनस वन लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू वन फॉर ऑल ऑफ थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस वन लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू वन, ये इसकी रेंज डोमेन और रेंज होती है स्टूडेंट, रेंज होती है माइनस वन टू वन। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, डेल्टा की जो वैल्यू ये थी आपने बीच में डेल्टा नाना है, मतलब ये चीज नानी है, देखो साइन थीटा तो आपके पास आ गया, तो देखो स्टूडेंट जब आपके पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा, जब स्क्वायर करोगे स्टूडेंट तो माइनस वन की स्क्वायर करोगे प्लस, प्लस का वन हो जाएगा, तो प्लस वन तो इधर है ही, तो मैं इसको यहां इस तरीके से लिख सकता हूं स्टूडेंट, देयरफॉर तो ये जीरो से बड़ा और इक्वल भी हो सकता है, और साइंस ये स्केयरिंग करेंगे तो साइंस के थीटा लेस देन इक्वल टू वन का स्केयर करेंगे तो वन, तो मींस साइंस के थीटा की जो वैल्यू होगी जीरो से वन के बीच में होगी फॉर ऑल थीटा, मींस स्केयरिंग करने पर नेगेटिव टर्म्स क्या हो जाएगी कैंसिल, नेगेटिव टर्म्स नहीं है तो जीरो से इक्वल भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकती है साइंस के थीटा की वैल्यू, और वन से छोटी और वन के इक्वल भी होगी। अब देखो साइंस के थीटा आपके पास क्या आपके पास बन गया, उसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट, वन वन चाहिए तो आप क्या करोगे वन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, वन दोनों तरफ क्या करोगे ऐड करना है, ऐड तो एडिंग ऑन बोथ साइड बाय वन, दोनों तरफ क्या कर दोगे ऐड कर दोगे वन ऐड करें, तो जब ऐड करोगे वन तो जीरो प्लस वन लेस देन इक्वल टू वन प्लस साइंस के थीटा लेस देन इक्वल टू वन प्लस वन, तो देयर फोर तो वन लेस देन इक्वल टू वन प्लस साइंस के थीटा लेस देन इक्वल टू टू। अब आपके पास क्या चाहिए स्टूडेंट, आपके पास ये चीज बन गई है, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है टू से, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय टू, जब टू से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा टू लेस देन इक्वल टू टू वन प्लस साइंस के थीटा लेस देन इक्वल टू टू इंटू टू कितना होता है फोर। अब स्टूडेंट आपने को पता है कि ये जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, वो डेल्टा की वैल्यू है, तो इसकी जगह पे हम क्या फिल कर देंगे डेल्टा, तो टू लेस देन इक्वल टू 2 less than equal to delta less than equal to 4, यही हमने क्या करना था स्टूडेंट्स प्रूव करना था, ये हमने क्या कर दिया प्रूव, हैंस प्रूव, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए एक बार और मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको क्वेश्चन दिया होता और आपने ये चीज प्रूव करना था, सबसे पहले मैंने इस डिटरमिनेशन को सोल्व किया है, तो मैंने फर्स्ट रो को ही एक्सपेंड किया है, तो वन लिया, जब ये लोगे तो ये रो कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, चार एलिमेंट आपके पास ये पहले बचेंगे, फिर मैंने लिया साइन थीटा, जो ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, दो एलिमेंट ये माइनस साइन थीटा माइनस वन और साइन थीटा और वन, फिर जब वन लोगे तो ये कैंसिल, चार एलिमेंट आपके पास ये वाले बचेंगे, तो इस तरीके से सोल्व करते हुए हमारे पास क्या आया, जो डेल्टा की जो वैल्यू थी वो आ गई 2 इंटू 1 प्लस साइंस स्क्वायर थीटा। फिर हमने जो प्रूव करना स्टूडेंट वो प्रूव करना था 2 लेस देन इक्वल टू डेल्टा लेस देन इक्वल टू 4, ये प्रूव करना था, डेल्टा की वैल्यू ये है, तो वी नो दैट हमको पता है कि जो साइन थीटा की जो वैल्यू वो माइनस वन टू वन के बीच में होती है फॉर ऑल थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहां लगा सकते हो फॉर ऑल थीटा, फॉर ऑल थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर ऑल थीटा।
तो ये इस तरीके से आपने क्या किया, इसको सोल्व किया, तो -1 to 1 के बीच में वैल्यू होती है। स्केलिंग करोगे तो ये 0 से बड़ा और 1 के बीच में हो जाएगा, क्योंकि माइनस जो जो टर्म है नेगेटिव टर्म्स है वो रिमूव हो जाएगी, तो इसका 0 से 0 से बड़ी और 0 के इक्वल हो सकती है sin के थीटा की वैल्यू। फिर इधर क्या था, 1 ऐड था तो दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, तो आपके पास ये बन गया। फिर 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करते हुए जो चीज हमने प्रूव करनी थी वो हमने क्या कर दी, प्रूव। ये था इसका सेकंड, वो अपने पास क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 3 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया है। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th, लास्ट क्वेश्चन है इसका स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 4th देखिए क्या कहता है स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, सिंपल क्वेश्चन है, मैंने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर आपके साथ सोल्व किया था। देखियो कहता है एक मैट्रिक्स दी हुई है, देन शो दैट 3A, तो सबसे पहले हम 3A निकालते हैं, मींस 3A, तो 3A निकालते हैं स्टूडेंट, 3A निकालो, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into 3 9 1 1, सॉरी स्टूडेंट 3 से मल्टीप्लाई करना है, 9 3 3 1 को इससे करेंगे 3 9 3, फिर 3 3 9। ओके स्टूडेंट, ये आपके पास 3A आ गया। फिर इसके बाद डिटरमिनेंट्स निकालना है इसकी, तो मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ 3A, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट। ओके देखिए 9 3 3 3 9 3 3 3 9। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैं इसी तरीके से फर्स्ट रो को ही स्पेंड करूंगा, तो ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट 9, थोड़ा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, तो आपको मैं बता देता हूं, ये रो कैंसल, ये कॉलम कैंसल, तो 4 एलिमेंट ये बचेंगे, लिख देता हूं 9 3 3 9। फिर माइनस, जब आप ये वाला एलिमेंट लोगे स्टूडेंट्स 3 लोगे, तो ये रो कैंसल और ये कॉलम कैंसल, तो 4 एलिमेंट बचेंगे ये और ये, तो 3 लेंगे तो एलिमेंट बचेंगे 3 3 3 9। फिर प्लस नेक्स्ट एलिमेंट लोगे, नेक्स्ट एलिमेंट लेने के बाद स्टूडेंट आपके पास बनेंगे, देखिए जब आप ये लोगे तो 4 एलिमेंट आपके पास ये वाले बचेंगे, तो मीन्स 3 3 9 3। आइए अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये बनेगा 9, इसको इस 70 ले करो 81, माइनस इसको इस 70 ले करोगे तो 81 माइनस 9, फिर माइनस का 3, इसको इस 70 ले करोगे 27, माइनस इसको इससे करोगे 3 into 3 9, फिर प्लस 3, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बनेगा 9, फिर देन इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 27। तो आइए स्टूडेंट सोल्व करते हैं, 9 into 81 में से 9 माइनस करोगे स्टूडेंट आपके पास बनेगा 72, माइनस 3, 27 में से 9 माइनस करो आपके पास बनेगा 18, फिर प्लस 3, 27 में से 9 माइनस करोगे आपके पास बनेगा माइनस का 18। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 18 1 9 63 6 4 8, माइनस का 54, फिर माइनस का 54, तो मींस 648 माइनस 108, 54 into 54 54 माइनस 54 कितना का 108, इसमें से इसको माइनस करो तो आपके पास आ जाएगा 045 540, आपके पास क्या आ जाएगा इसका लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी, क्यों आ जाएगी 540। ओके स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गया, तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ 3A इज इक्वल टू 540। आइए अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड में देखिए क्वेश्चन क्या है, 27 डिटरमिनेंट ऑफ A, तो मींस डिटरमिनेंट ऑफ A ये थी, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो लिख लेते हैं राइट हैंड साइड, क्या आपके पास 3 1 लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको जूम कर दूंगा, 3 1 1 1 3 1 1 1 3। ओके स्टूडेंट,
ये इसकी थी डिटरमिनेंट ऑफ ए 27, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 27। तो आइए अब इसको सोल्व करते हैं। तो 27 जब फर्स्ट एलिमेंट को लोगे स्टूडेंट, अब आप सीधा करना 3113, फिर माइनस 1 1113, फिर प्लस 1 1131। अब स्टूडेंट मैंने आपको पहले बता दिए कैसे करने हैं, तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो, थोड़ा जल्दी करोगे। अब देखिए 27 सोल्व करो, 3 × 9 − 1, फिर माइनस 1 3 − 1, फिर प्लस 1 1 − 3। ओके स्टूडेंट, फिर आइए नेक्स्ट 27, ये हो जाएगा 3 × 8 = 24, माइनस 3 − 1 = 2, 2 × 1 = 2, प्लस माइनस 1 − 3 − 2, माइनस 2 को बन से गया माइनस का 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 27 × 20, तो ये आपका आ जाएगा 540। तो देयरफॉर ट्वेंटी सेवन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ गया उसके पास 540। तो ये देखिए, ये आपके पास क्या थी राइट हैंड साइड, और ये आपके पास क्या था लेफ्ट हैंड साइड। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड भी 540 आई है और राइट हैंड साइड भी क्या आई है 540। तो इट्स मीन्स, तो देयर फॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है, तो ये था इसको का क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया है। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये ए था जो आपको दिया था, देन शो दैट 38 = 27 डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिया है, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हुए इसकी जो वैल्यू आई 540 आई है, फिर मैंने राइट हैंड साइड लिया 27 डिटरमिनेंट ऑफ ए, 27 डिटरमिनेंट ऑफ ए को सोल्व करा, डिटरमिनेंट को सोल्व करते हुए अपने पास इसका जो भी आंसर आया वो भी 540 आया है, लेफ्ट हैंड साइड का भी 540, राइट हैंड साइड का भी 540 थी, विच मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से बताना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। कहता है डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट इज नंबर ऑफ एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट इज नंबर ऑफ एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड नन ऑफ दिस। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो के अंदर कि डिटरमिनेंट के अंदर नंबर को एसोसिएट किया जाता है ए स्केयर मैट्रिक्स के अंदर, तो इसका जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन आएगा, क्योंकि एसोसिएट टू ए स्केयर मैट्रिक्स के अंदर नंबर को किया जाता है, एसोसिएट किया जाता है नंबर्स को, तो किसके अंदर स्केयर मैट्रिक्स के, ओनली फॉर डिटरमिनेंट जो होता है वो ओनली फॉर स्केयर मैट्रिक्स के अंदर ही पॉसिबल होता है, चाहे वो 1 × 1 हो, 2 × 2 हो, 3 × 3 हो, ओनली फॉर स्केयर मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट, ओनली फॉर स्केयर मैट्रिक्स के अंदर ही आप इसको डिफाइन कर सकते हो, तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो सी आएगा। ओके स्टूडेंट, ये थी इसके टोटल 5 क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो स्टूडेंट्स, तो इस अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे डिटरमिनेंट्स चैप्टर से हो रिलेटेड क्वेश्चंस जो है माइनर और कोफैक्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट के जरिए आप मुझसे पूछ सकते हो, तो और मैं आपको जो डाउट होगा वो बहुत ही अच्छे से क्लियर करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, और बहुत ही जल्द उसका आपको रिप्लाई करूंगा। तो जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज आप उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, ताकि आपको आने वाले इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होंगे वो आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे चैनल जो है यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हो मेरे चैनल को लक्ष्य अकेडमी अबोहर लिख के, तो सबसे पहले मेरा ही चैनल आएगा लक्ष्य अकेडमी अबोहर, जू लिखना है तो लक्ष्य अकेडमी अबोहर लिखते ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी फोटो आ रहेगी, लक्ष्य अकेडमी का ये वाला लोगो आएगा, देख सकते हो, और वहां जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।